नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। गंजबा सौदा, चल रहे अवैध मादक पदार्थों के चलते पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के मार्गदर्शन में प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है। इसी क्रम में आज देहात थाना पुलिस ने 5.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया। सिटी कोतवाली ने 1.5 किलो गांजे के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों पर NDPC एक्ट के तहत कार्यवाही। SDOP मनोज मिश्रा एवं देहात थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता में किया खुलासा। गंज बासौड़ा से मुकेश चतुर्वेदी। मादक पदार्थ कहीं से प्राप्त किया, जैसी संभावना थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति इससे आके मिलके गया है, और उसी के आधार पर इनको जब तलाशी की गई तो इनके पास इस तरह का मतलब ये मान सकते हैं सर, जो पूछताछ अभी आपकी चल रही है, क्या आने वाले समय बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि इनका जो जो जहाँ से मुख्य सप्लायर है, हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हो गई है, और उनके स्तर से अन्य जिले जहाँ से सप्लाई की संभावना है, चाहे वो राजगढ़ जिला हो चाहे वो गुना जिला हो, वहाँ के भी सक्षम पुलिस अधिकारियों से श्रीमान के स्तर से बात हो रही है। और निश्चित रूप से हमारा यही प्रयास है कि इस पर जो सोर्स को ही हम लोग पकड़ना चाहते हैं कि ला कहाँ से रहे हैं। इस तरह के जो मादक पदार्थ हैं वो यहाँ बनते नहीं हैं, ना यहाँ पर उनका बड़ा कोई डंप है। अभी तक की जानकारी में ऐसा नहीं आया है कि यहाँ पर कोई बड़ा डंप है। यहाँ स्थिति ये है कि 3-4 दिन का सामग्री यहाँ लाते हैं और 3-4 दिन की सामग्री खत्म हो जाती है, वैसे ही फिर से दोबारा से कहीं बाहर से वो सामग्री प्राप्त करते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को ये बताने के लिए विशेष रूप से प्रेस वार्ता का आज आप लोगों को आमंत्रित किया गया है कि हमारे शहर में जो काफ़ी मादक पदार्थों के संबंध में लोगों की शिकायतें हैं, उसी क्रम में हम लोगों ने इस एक अभियान चलाकर पिछले 10 दिन से इस पर कार्रवाई की जा रही थी। उसी क्रम में कल से थाना प्रभारी देहात के विशेष प्रयासों से एक सूचना मिली थी, और उस सूचना को जब आगे वेरीफाई किया गया तो एक आरोपी है दिग्विजय सिंह, ये मुखबिर की सूचना पर इसको पकड़ा गया, और इसके पास से करीब 5.5 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये के आसपास बताई जा रही है। और ये इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये अन्य स्थानों से, खासतौर पर राजगढ़ या गुना जिले के किसी गंतव्य से ये अपने सप्लायर से मादक पदार्थ प्राप्त करता है और उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्थानीय नवयुवकों को बेचता है। तो इसको हमें पकड़ने में सफलता मिली है और इसको गिरफ्तार किया गया, और अभी इसका हम लोग रिमांड लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसकी और चेन जहाँ से ये ला रहा है और पूर्व में इसने जहाँ जहाँ खपत की है, इसका लाने का पूरा तरीका क्या है, इसकी जांच पड़ताल की जा सके। ये आपको बताना था। ये इसका नाम है दिग्विजय सिंह, पिता गणेश राम रघुवंशी, ये हथौड़ा गांव का रहने वाला है, और पूर्व में भी इसको 2022 में अपराध क्रमांक 102/22 में भी ये इसी तरह से मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया था, और हाल में ही ये जेल से छूटा है, और जेल से छूटने के बाद पुनः इसी अपराध में ये संलिप्त पाया गया है। मैं आपको इसी क्रम में बताना चाहूँगा कि कल ही थाना प्रभारी देहात ने 2 अन्य इसी तरह के नशाखोरी करने और नशे के पदार्थों को बिक्री करने के संबंध में 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ 49A एक्साइज एक्ट की कार्रवाई की गई है, उन दोनों को भी जेल में भेजा गया। उनके नाम